नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका लगा है। बसपा के 6 विधायक शनिवार को सपा में शामिल हो गए। इन्हें अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। ये विधायक लंबे समय से अखिलेश के संपर्क में थे। वहीं एक भाजपा विधायक ने भी सपा की सदस्यता ली है। यूपी चुनाव से पहले ये बसपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उधर सपा भाजपा की मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर रही है, लगातार मजबूत होती नजर आ रही है। बसपा और बीजेपी से आए विधायकों का अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में स्वागत किया और उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत लोग हैं जो सपा में शामिल होना चाहते हैं। चुनाव आने तक बीजेपी भागता परिवार की रह जाएगी। इस चुनाव में भाजपा का सफाया होना तय है। उन्होंने भाजपा का घोषणा पत्र पढ़ा और कहा कि बीजेपी ने किसानों से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। ना तो उनकी आय दोगुनी हुई है और ना ही ऐसी कोशिश हुई है जिससे उनका जीवन बेहतर हो। अखिलेश ने कहा है कि जनता में सरकार के प्रति आक्रोश है। महंगाई जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। भाजपा के लोग पन्ना प्रमुख बनते हैं और अपने घोषणा पत्र का पन्ना पलटना भूल जाते हैं। अभी तक बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट नहीं दे सके। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बारे में अखिलेश ने कहा कि उनका सम्मान रखा जाएगा, वो भी हमारे साथ ही रहेंगे। तो इससे सीधा संदेश है कि आने वाले समय में सपा और प्रसपा में गठबंधन होना तय है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी बीजेपी नेता साध्वी उमा भारती ने उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों को लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस खत्म हो चुकी है और इस चुनाव में सपा बसपा की हालत भी कांग्रेस जैसी हो जाएगी। उमा भारती ने कहा कि बीजेपी अब देश भर में लंबा शासन करेगी क्योंकि भारत और बीजेपी अब एक हो गए हैं। वहीं मुंबई ड्रग्स मामले में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक के आरोपों पर उन्होंने कहा कि पहले तो ये देखना चाहिए कि आरोप लगाने वाला कौन है और क्या वो खुद में पाक साफ है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक का इतिहास उठाकर देख लीजिए किस तरह का इतिहास है। तो प्रतापगढ़ में उमा भारती का कांग्रेस, सपा और बसपा पर जोरदार वार देखने के लिए मिला है। कहा कि यूपी से कांग्रेस की तरह बसपा और सपा का सफाया होना तय है। भैया देखो यहाँ क्या हो गया है कि ये अपनी करतूतों से खत्म हो गए सपा बसपा वाले। कांग्रेस तो पहले ही खत्म हो गई थी और वो तो इतनी बुरी तरह से खत्म हो गई कि वो रिवाइव हो नहीं सकता उनका, कांग्रेस का। तो अब बचे सपा और बसपा, तो इनको एक 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 टर्म ऐसा मिला जिसमें ये अकेले थे, दूसरा इनके साथ कोई था नहीं। पूरे 5 साल फुल मिले, पहले बसपा को मिले फिर सपा को मिले। और इन लोगों ने जो उस समय करतूतें की उसका परिणाम ये निकला कि इनको पता नहीं कि लोग इनसे आघा गए हैं, मतलब इनकी वापसी हो नहीं सकती, ये कितने ही प्रयत्न करें। इधर भाजपा को एक मौका मिला 5 साल अपनी मेजोरिटी का, और इसका परिणाम, और ये समय वो था जब डेवलपमेंट एक एजेंडा था और उसका उसके बारे में जो सबसे बड़ी निपुणता थी वो बीजेपी की ही थी, और इसलिए उसका परिणाम ये निकला कि विकास और उसके साथ ही साथ राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद का व्यवहारिक पक्ष जिसमें सभी समाजों को साथ में लेके चलने की सोच, सामाजिक सोच, ये तीनों चीज़ों का जो मेल हुआ है, ये एक सामाजिक व्यवस्था का व्यवहारिक सोच, विकास की जो लोगों की भूख है, आवश्यकता है, उसकी ठीक से समझ और उसके अधिष्ठान में राष्ट्रवाद का विचार, ये तीनों का जो मेल हुआ है, उसके बाद तो अब भाजपा बहुत लंबे समय तक की शासक पार्टी हो गई है। भारत भाजपा अब एक हो गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में लोग बिजली बिलों के जरिए होने वाली लूट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सत्ता में आने पर उनकी पार्टी इस लूट को खत्म कर देगी। प्रियंका गांधी ने शनिवार सुबह एक ट्वीट कर बिजली बिल के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट को भी टैग किया है जिसमें दावा किया गया था कि बिजली विभाग ने एक मजदूर को 19 करोड़ रुपए से अधिक के बिजली बिल का नोटिस दिया है। प्रियंका ने इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया, भाजपा राज में बिजली बिलों और स्मार्ट मीटरों की लूट से प्रदेश का आम जन बुरी तरह से त्रस्त माना जा रहा है। प्रियंका गांधी पूरी तरह से सक्रिय उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर एक मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हैं।
जहां महिलाओं पर दाव खेला, उसके बाद किसानों पर दाव खेल रही हैं, तो अब बिजली बिल पर भी आ गई हैं। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि यहां पर जो स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं उससे लोगों को सिर्फ और सिर्फ लूटा जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो इस लूट को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो बिजली बिल के जरिए होने वाली लूट पर प्रियंका गांधी भड़कती हुई नजर आई हैं। उन्होंने आज सुबह ही एक ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से सरकार को आड़े हाथों लिया। देश में ही नहीं बल्कि यूपी में भी टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। कुछ ही दिन पहले भारत में 100 करोड़ टीके की डोज लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। वहीं यूपी ने टीकाकरण के मामले में अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। टीकाकरण के मामले में यूपी अव्वल हो गया है। यूपी 13 करोड़ टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यूपी में टीकाकरण अभियान की तेजी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी 13 करोड़ डोज का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। योगी ने कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, कोरोना वॉरियर्स की प्रतिबद्धता तथा अनुशासित जन सहयोग को समर्पित है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि अपनी बारी आने पर आप भी अवश्य टीका जीत का जरूर लगवाएं। तो टीकाकरण में यूपी अव्वल और 13 करोड़ वैक्सीनेशन लगाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। आपको बता दूं कि कोरोना काल में जिस तरह से यूपी सरकार ने काम किया था उसकी तारीफ WHO ने भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूपी सरकार की तारीफ जमकर की थी। देखिए, देश में ही नहीं बल्कि यूपी में भी टीकाकरण अभियान बहुत तेजी के साथ चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले भारत में 100 करोड़ टीके की डोज लगाकर एक रिकॉर्ड कायम किया गया। वहीं यूपी ने टीकाकरण के मामलों में अन्य राज्यों को बहुत पीछे छोड़ दिया। टीकाकरण के मामले में यूपी अव्वल हो गया है। 13 करोड़ टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। यूपी में टीकाकरण अभियान की तेजी पर योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 13 करोड़ डोज का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है यूपी। योगी ने कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से, कोरोना वॉरियर्स की प्रतिबद्धता से और अनुशासित जन सहयोग की समर्पति है, जिसकी वजह से लगातार हम जीत का स्वाद चख रहे हैं। पहले कोरोना से हम लड़े हैं और अब कोरोना के खिलाफ जो सुरक्षा कवच है उसको हम बढ़ा रहे हैं। अलीगढ़ T20 विश्व कप मैच में पाकिस्तान की जीत पर नारे लगाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हां, बीते रविवार को T20 वर्ल्ड कप में भारत हार गया था, जिसकी वजह से भारत के अलग अलग जिलों में या राज्यों में इस तरह की बयानबाजी देखी गई है। ये मुकदमा बीजेपी नेता की तहरीर पर अकराबाद थाने में दर्ज किया गया, जिसमें नामजद आरोपी फारूक और उसके अज्ञात साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। वहीं कोड़ियागंज निवासी युवा भाजपा नेता विनय वाष्णे ने पुलिस को बताया कि 24 अक्टूबर को हुए भारत पाकिस्तान मैच के मुकाबले में भारतीय टीम हार गई थी। वहीं इस हार के बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो देखा जिसमें कुछ युवक मैच देख रहे हैं और देशद्रोह टिप्पणी कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया है। तो अलीगढ़ से भी अब इस तरह का मामला सामने आया है। दरअसल पाकिस्तान की जीत पर कुछ लोग आतिशबाजी कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, जिन लोगों पर अब मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बीजेपी नेता की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। अलीगढ़ का यह पूरा मामला वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसके बाद इसकी शिकायत की गई है। दरअसल अलीगढ़ के कई इलाकों में इस तरह के वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, जिनको लगातार देखा गया, जिसके बाद बीजेपी नेता ने इसकी शिकायत की है। 24 तारीख को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ था, जिसमें कस्बा बिलखना के कुछ गद्दारों ने जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और जश्न मनाया था। और उसके बाद एक टिप्पणी भी की थी, जिसमें उसमें साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि बाबर ने 500 साल पहले मारी थी, बाबर आज फिर से मार रहा है। ऐसे गद्दारों का और ऐसे देशद्रोहियों का फल कुचलने का काम सिर्फ एक देशभक्त सरकार कर रही है। अकराबाद में जो मुकदमा लिखा गया है उसकी सोशल मीडिया पर एक शिकायत आई थी।
उसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। मुकदमे में जांच की जा रही है, जांच के आधार पर जो भी सही तथ्य होंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पर खुशी मनाने वालों की अब खैर नहीं है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बाराबंकी में तहसील परिसर में मामूली बात को लेकर वकील और लेखपाल के बीच जमकर विवाद हो गया। वहीं वकील ने लेखपाल पर उसकी पिटाई करने, जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा दिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद नाराज वकीलों ने लखनऊ अयोध्या रोड को जाम कर जमकर नारेबाजी की, साथ ही लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। जिसके बाद हंगामे की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन और मामले को शांत कराया है। बाराबंकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर वकील और लेखपाल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लेखपाल ने वकील को जान से मारने की धमकी तक दे डाली है, जिसके पास तस्वीरें ऐसी सामने आई है कि काफी संख्या में जो अधिवक्ता हैं और जो लेखपाल के पक्ष में थे वो लोग इकट्ठा हो गए। बहस होने लगी, कहा सुनी होने लगी। पुलिस प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा है और मामले को शांत कराना पड़ा है। बाराबंकी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किसी बात को लेकर वकील और लेखपाल में विवाद हो गया। चित्रकूट में एसटीएफ टीम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां टीम ने 5 लाख के इनामी डकैत गौरी यादव को मार गिराया। बता दें कि डकैत और टीम के बीच में पहले मुठभेड़ हुई, जिसके बाद फायरिंग के दौरान गोली लगने से आरोपी की मौत हो गई। वहीं आरोपी से AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद हुए हैं। खबरों की माने तो एसटीएफ की टीम पिछले 2 सालों से डकैत गौरी यादव की तलाश में थी, जिसके बाद आखिरकार टीम को सफलता हाथ लगी है। 5 लाख का इनामी बदमाश था, डकैत था, भीड़ों में लगातार इसकी चलती थी और आखिरी अध्याय माना जाता था इन डकैतों का, वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो डकैत गौरी यादव एसटीएफ से मुठभेड़ में ढेर हुआ है। AK-47 समेत कई हथियार इसके पास से बरामद हुए हैं। पिछले कई सालों से इसकी तलाश की जा रही थी और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा है और फिर पुलिस की तरफ से फायरिंग में इसकी जान चली गई। चित्रकूट का यह पूरा मामला, 5 लाख का इनामी डकैत गौरी यादव मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। काफी समय से इसकी तलाश की जा रही थी, आतंक का पर्याय ये बना हुआ था। इसके पास से कई तरह के हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस इसके साथियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में गौरी यादव तो मारा गया, लेकिन इसके दूसरे साथी भागने में कामयाब रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन डकैतों का आखिरी अध्याय था, जो कि अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो चित्रकूट का यह पूरा मामला, डकैत गौरी यादव एसटीएफ से मुठभेड़ में ढेर हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस गैंग के पीछे एसटीएफ काफी समय से लगी हुई थी, लोकल पुलिस का भी कोऑपरेशन प्राप्त हो रहा था और स्पेसिफिक सूचना लगातार एसटीएफ इकट्ठा कर रही थी। इस गैंग्स के साथ पूर्व में भी मुठभेड़ हुई और हाल में ही उदय इसका एक साथी भी मारा गया था। आज भी एक स्पेसिफिक सूचना पर टीम ने मूव किया, ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये अपने पुराने अड्डे पर मौजूद है और इसके लिए शाम को भोजन आदि इस इलाके में गया। जनपद चित्रकूट के अंतर्गत आज 5.5 लाख का एक इनामी गौरी यादव को एसटीएफ द्वारा मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसके ऊपर जनपद चित्रकूट के अंतर्गत करीब 45 के अधिक मुकदमे दर्ज थे और इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 50,000 का इनाम घोषित था। इस संदर्भ में समस्त विधिक कार्रवाइयाँ प्रचलित की जा रही है। तो ये बताया जा रहा है कि अंतिम डकैत बचा था चित्रकूट में, क्या इसके और भी मेंबर हैं अभी? इस संदर्भ में जो भी डकैतों का एक इतिहास रहा है उसमें ये एक अंतिम कड़ी के रूप में था गौरी यादव, जिसको आज मार गिराया गया। फतेहपुर जिले में अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो द्वितीय के न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी ने 13 साल की नाबालिग से रेप की कोशिश मामले में आरोपी को 10 साल कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक
देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि 19 मार्च 2015 को असोथर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की को आरोपी ने खेत में बुलाया और उससे दुष्कर्म करने की कोशिश की। वहीं शिकायत करने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन नाबालिग ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने आरोपी को 10 साल की जेल और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है। घटना वाले दिन पीड़िता की माँ अपने निजी काम से थाना सरगांव गई थी किसी काम से। उसकी पुत्री अकेले घर में थी। गांव का ही शंकर नुनिया आया और उससे कहा कि जो है चलो आलू बिनने चलते हैं, पर लेकिन वो ललन यादव के चराहट के खेत में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसकी माँ आई पीड़िता ने सारी बातें बताई, जब तो उसने FIR लिखाई तो कल अनुभव द्विवेदी जी के कोर्ट में पासपोर्ट सेकंड में उसको 10 वर्ष की कारावास और 10 वर्ष का कारावास और 20,000 जुर्माना हुआ। और अब खबर गौड़ा से, जहां ब्लॉक मैनौन क्षेत्र के न्याय पंचायत कोल्हुआ क्षेत्र के ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का अल्टीमेटम दे दिया है। ग्रामीणों ने यह अल्टीमेटम जिला प्रशासन को दिया है। बता दें कि आजादी के 75 साल के बाद भी कोल्हुआ न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत मंगरोल के लोगों को अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया, जिससे ग्रामीण आक्रोशित होकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाने और लोगों को आने जाने के लिए नहर के ऊपर पुल बनवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर विकास कार्य नहीं किया जाएगा तो वो इस बार मतदान और वोट का बहिष्कार करेंगे। ये प्रकरण आप लोगों ने अभी संज्ञान में मेरे लाया है तो मेरे जानकारी में नहीं था, तो हम मुजैना ब्लॉक के वीडियो से अभी बात करके और कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व करा दिया जाए। अगर सड़क की कोई भी दिक्कत है तो अगर ग्राम पंचायत के फंड से संभव है तो उसको हम पूरा कराने का कोशिश करेंगे। मुंगरोल के हम निवासी हैं, हमारे यहाँ माता जी का स्थान है, स्थान पर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सब बाधित रास्ता है। जैसे और बनकटा है, शुकुलपुरवा है, इन लोगों को आना है, बीच में नहर पड़ती है, नहर पे कोई पुल का सुविधा है नहीं। आना है तो सकरी से आइए या तो बनकसिया से आइए। हम लोग विकास को लेकर के विकास कार्य में सड़क नहीं है, हमारे 10-20 गांव वालों के उस पार जाने का रास्ता नहीं है, उसके लिए हमने 50 बार जो है नहर विभाग से मांग किया, नेताओं से मांग किया, कोई बात ध्यान नहीं दी जाती है, कोई झूठा आश्वासन दिया जाता है। प्रियंका गांधी की रैली के लिए कांग्रेसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पिछले कई दिनों से गोरखपुर में रैली की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता भी जगह जगह बैठक कर लोगों से रैली में आने का अनुरोध कर रहे हैं। वहीं इसी के चलते ट्रांसपोर्ट नगर स्थित जिला कांग्रेस के कार्यालय पर महानगर कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों समेत वार्ड अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि 31 अक्टूबर को होने वाली प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली ऐतिहासिक रैली होनी चाहिए, जिसको लेकर पुरजोर मेहनत की जा रही है। मथुरा के तहसील मांड के कस्बा में ब्रिज स्थलीय एकेडमी में छात्र संसद का गठन किया गया। इस कार्यक्रम में मजिस्ट्रेट मनीष कुमार, SHO अशोक कुमार उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में अधिकारियों ने छात्र संसद में चुनकर आए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई है। ब्रिज स्थलीय एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रबंधक जी, प्रतिवर्ष की बात, इस वर्ष भी एक छात्र संसद का गठन हुआ है। इसमें सभी छात्र छात्राओं ने अपने उम्मीदवार जो उनको प्रिय लगते थे उनके लिए मतदान किया था। उसी मतदान के आधार पर विद्यालय में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आदि लोगों का चयन हुआ है। यानी ये सारे बच्चे पूरे वर्ष अपने कार्यकाल में विद्यालय की सारी व्यवस्थाएँ, चाहे वो जल से संबंधित हो या बिजली से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, बच्चे पूरी जानकारी प्रिंसिपल साहब को, मैनेजमेंट को। मथुरा में वरिष्ठ पंडित दीपक गौड़ का गोवर्धन विधानसभा के पलसो गांव में ग्रामीणों ने सपा नेता को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया।
वहीं इस दौरान सपा नेता दीपक गौर ने गांववासियों को आश्वासन दिया है कि 2022 के चुनाव में जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में साइकिल की सरकार बनेगी तो गांव में जो विकास कार्य इस बीजेपी की सरकार में नहीं हुए वो सभी सुविधाएं सरकार आने पर ग्रामीणों को दी जाएगी। पीलीभीत में एक युवक ने दिल्ली में हुए फेस ऑफ इंडिया 2021 फैशन शो में हिस्सा लिया और दूसरा स्थान पाकर पीलीभीत जनपद का नाम रोशन कर दिया, जिससे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं जब इसको लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने युवक से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो पिछले 2 सालों से मॉडलिंग कर रहे हैं और पिछले साल मुजफ्फरनगर में हुए मिस्टर एंड मिसेस क्राउन यूपी में हिस्सा लिया था, जिसमें उनको मिस्टर फोटोजेनिक का टैग मिला था। कलाकार हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने मॉडलिंग में जो है अपना नाम पीलीभीत का जो है रोशन किया, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। बहुत ही कम उम्र के ये कलाकार हैं जो मॉडलिंग में जिन्होंने कदम रखा और सेकंड स्थान जो दूसरा स्थान जो है इन्होंने प्राप्त किया है फेस ऑफ इंडिया 2021 में हिस्सा लिया इन्होंने और दूसरा स्थान प्राप्त किया। आइए हम बात करते हैं उनसे, क्या कुछ कहना है इनका इस पूरे मामले को लेकर। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सोम कश्यप। ओम जी, जिस तरीके से आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया है फेस ऑफ इंडिया 2021, ये क्या प्रोग्राम था, किस तरीके था और कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? ये एक ब्यूटी पेजेंट था जो कि जेएसएफ वर्ल्ड प्रोडक्शन द्वारा मतलब चलाया गया था, तो उसमें हम जैसे मॉडल्स को आगे के लिए लाइन दी गई कि हम अपना टैलेंट शो कर सकें पब्लिक के सामने। तो मैं थैंक्स करना कहना चाहूँगा जैसे वर्ल्ड प्रोडक्शन के ओनर मिस्टर जय सूर्यवंशी को, जिनकी वजह से मैं ये शो कर पाया हूँ और उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिस वजह से आज मैं मतलब सेकंड रनर अप 2021 फेस ऑफ इंडिया का बन चुका हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आपने ये हिस्सा लिया तो अगर हम जानना चाहें कि आपकी शिक्षा के बारे में बात करें या आपने जो मॉडलिंग का जो रास्ता चुना वो क्यों चुना, क्या उसके पीछे उद्देश्य, क्या इच्छा थी उसके पीछे? मॉडलिंग है जैसे कि मेरे मतलब इंसान को अपने अंदर का कलाकार खुद पहचानना चाहिए, तो मैंने वही किया, अपने अंदर के कलाकार को खुद पहचाना कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो उस चीज़ को मैंने अपने अंदर से ढूंढ के निकाला तो मुझे पता लगा कि मुझे यस मॉडल बनना है, तो मैं अभी का मैं ग्रेट मॉडल, सो वही मैं करना चाहता हूँ। और मुझे इस लाइन में 2 साल होने जा रहे हैं और रही मेरी ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर है BA थर्ड ईयर। अच्छा, क्या आपके परिवार से इसको लेके सपोर्ट हुआ, सपोर्ट किया, या परिवार आपके फैमिली में जो आपको मोडिफाई किया कि आप इसमें जाइए? देखिए, थोड़ा बहुत तो हर किसी फैमिली में होता है कि हाँ बच्चा कैसे करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, जिस तरीके रोक टोक करते हैं कि नहीं बेटा ये नहीं। देखिए, हर उसमें रोक टोक होता है, मॉम डैड हर बच्चे को रोक टोक करते हैं कि कहीं वो गलत दिशा में ना निकल जाए, तो जब बच्चा आगे बढ़ जाता है तो मॉम डैड भी समझ जाते हैं कि हाँ बच्चा आगे बढ़ गया, अब हम उसको आगे बढ़ना चाहिए। मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, मैं उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिनकी वजह से मैं आज वहाँ तक पहुँच सका और सेकेंड रनर अप बन चुका। अब आगे और क्या करना चाह रहे हैं? आगे मेरा एक सपना है कि मुझे सुपर मॉडल बनना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है और आगे अपने मॉम डैड का, अपने शहर का नाम रोशन करना है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।